अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा ड्रीम स्टाइलिंग। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ ही घर में ये हेयर बैंड बनाना शेयर करूंगी। इसको हम घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसके लिए ये मैंने कपड़े के 2 पीसेज लिए हैं और एक इलास्टिक लिए है। तो ये इलास्टिक की जो मेजरमेंट है वो 7 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 1 इंच लेनी है आपने। ज़्यादा बड़ा इलास्टिक नहीं लेना। और ये जो एक कपड़ा है इसकी हमारे पास 11 इंच इसकी लेंथ होगी और 3 इंच इसकी विड्थ होगी। तो ये इतना हो के जब हम खिंचाव के साथ इलास्टिक ऊपर लगाएं तो बिल्कुल इलास्टिक टाइट होकर लगे। और फिर ये जो कपड़ा लेना है इसकी 14 इंच लेंथ लेनी है और 5.5 इंच विड्थ लेनी है। तो ये डबल कपड़ा लेना है। तो व्यूवर्स, आप इनको स्टिच किस तरह से करना है? ये हमारे पास जो डबल कपड़ा है इसके हमने उल्टी साइड लेकर इसको फोल्ड कर लेना है और आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लेना है। इसी तरह ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी हमने फोल्ड करके प्रेस कर लेना है ताकि स्टिच करना इजी हो। तो व्यूवर्स, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली घर में बना सकते हैं आप। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन रख के निशान लगा लेने हैं जितना का हम स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखेंगे। और यहाँ से हमने राउंड शेप कर लेनी है, एक साइड से राउंड शेप करनी है, दूसरी साइड से इसको ओपन ही रहने देना है। तो इसी तरह इसके ऊपर भी एक तरफ से हमने राउंड शेप बना लेनी है और मार्जिन रख के इसको स्टिचिंग के लिए मार्जिन रख के हमने इसको निशान लगाते जाना है। सारे हमने निशान लगा लिए ताकि फिर स्टिचिंग करनी इजी हो जाए। अब ये जो कपड़ा है इसको भी हमने फोल्ड करना है। ये 2 इंच कपड़ा था तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो 3 इंच कपड़े को यहाँ पे हमने फोल्ड करके जब हमने स्टिच करना है तो ये इलास्टिक के लिए बाकी रह जाएगा। तो इसको हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो हमारे पास 14 इंच लेंथ वाला कपड़ा था इसको भी हमने निशान यहाँ पे लगाया हुआ था वो हमने इसको स्टिच कर लेना है। उसी निशान के ऊपर ऊपर सिलाई लगा दें। यहाँ से हमने इसको राउंड शेप देनी है। बाद में जो इजाफी कपड़ा होगा हम उसको काट लेंगे, लेकिन अभी इसकी कटिंग नहीं करनी। तो ये साइड इसके ऊपर ही रखनी है। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट भी रेडी करेंगे, उसके ऊपर भी हम पहले सिलाई लगाएंगे, बाद में उसकी जो इजाफी कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से राउंड शेप करते हुए इसको दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे व्यूवर्स, आपने छोटे छोटे इसको कट लगा लेने, जो हमने सिलाई में कपड़ा दिया था उसके साथ कट लगा लेना। और ये जो इजाफी कपड़ा था आप इसकी कटिंग कर देनी है। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह कट लगा लूंगी। तो इस कपड़े को भी हमने सेम इसी तरह रेडी करना है, कट लगाने हैं और फिर ऊपर से यहाँ से जो इजाफी कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब इसके सीधा कर लेना है। यूटी साइड पे हमने सिलाइयाँ लगाई थी, सीधा करना है दोनों कपड़ों को। ये जो इलास्टिक वाला कपड़ा था इसको भी हमने सीधा कर लेना है। इन दोनों को मैंने सीधा कर लिया। ये इलास्टिक वाले कपड़े को जो है इसकी जो सिलाई वाले साइड थी उसको मैंने नीचे वाली साइड पे फोल्ड कर देना है ताकि जब हम उसको स्टिच करें तो इलास्टिक डाल के जब हेयर बैंड बनाएं तो वो अंदर वाली साइड पे चला जाए। तो अब इसके अंदर इलास्टिक डालने के लिए आपने एक मोटी सुई के अंदर धागा डाल लेना है, उसको गिरा लगा लेनी है और उस धागे को सुई को उल्टी साइड से आपने इस कपड़े के अंदर डालते जाना है।
तो व्यूवर्स आप इस तरह हमने इसको अंदर साइड पे डाल के तो धागे को खींचते जाना है और इलास्टिक को हाथ की मदद से अंदर करते जाना है इस कपड़े के अंदर। तो ये देखिए बिल्कुल उसके अंदर फिट हो जाएगा। तो अब इसको बराबर के करके यहाँ से हमने पिन लगा लेनी है ताकि इलास्टिक अंदर से निकल ना सके। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह हमने पिन लगा लेनी है। बाद में हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। ये जो इजाफी कपड़ा और इलास्टिक होगा इसकी कटिंग कर लेनी है। तो व्यूअर्स आप इसकी पिन निकाल लेनी हो, यहाँ से इसको सिलाई लगा लेनी है और डबल सिलाई लगानी है ताकि ये बाद में अंदर से सिलाइयाँ निकल ना सकें। इसी तरह दूसरी तरफ से भी पिन निकाल लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगानी है यहाँ पे भी। तो व्यूअर्स अब ये जो कपड़ा था हमारे पास जिसको हमने बगैर इलास्टिक के स्टिच किया हुआ था उसको हमने इस तरह थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करना है और उसके सिलाई लगा लेनी। दोनों तरफ से आपने इसके किनारे जो है फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है ऐसी। तो ये देखिए इस तरफ से भी मैंने फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद फिर सिलाई लगानी है। और इसकी डायरेक्शन आपने देखा है ना कि जिस तरह मैंने रख के लगाया इसी तरह आपने उसको स्टिच करना है। इसी तरह अब हम दूसरे कपड़े को भी उसकी दूसरी साइड पे स्टिच कर लेंगे। जो इलास्टिक वाला कपड़ा इसके दोनों साइड पे हमने प्लेन कपड़ा जो जिसके अंदर इलास्टिक नहीं डाला था वो वाला कपड़ा लेके उसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे भी डबल सिलाई लगानी है ताकि बाद में सिलाई निकल ना सके। अब हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है और अपोजिट डायरेक्शन में इसको टाइट कर लेंगे। जो इजाफी धागे होंगे उनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इलास्टिक हमारा जो होगा ये नीचे वाली साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आपने इसको गिरा लगानी है। वो आप अपने हिसाब से लगा लें कि आपने ज़्यादा खुला बनाना है या कम खुला। ये मैंने जो बनाया है ये 4 से 5 ईयर बेबी गर्ल्स के लिए बनाया है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।